हाँ ठीक है ठीक काले जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं जी? जनाब सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआ से। और आज नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, और मैं अंकल फिर आज इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी, सब्ज़ चने आलू और उबले हुए अंडों की करी। बहुत ही आसान है और घर पे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। चलें चलते हैं बनाते हैं, और साथ आपको बस सिस्टम बनाएंगे और कुछ ही वैसे ना बात उन नंबर से बात ये करो तू पूछ के जैसे कैसे रखी पाए ये गाय तो मैं कैसे कैसे रखी पाए हो दो ले ले। अच्छा एक बकरी है, अच्छा एक भेड़ है, अच्छा एक मांझ है। वाह भाई वाह, माल तो ढेर सारा है, अल्लाह का शुक्र है। जी तमाम चीज़ें छील ली गई हैं, तमाम चीज़ें कटिंग हो गई है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी मैं आपसे आपको बताता चलूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह से अंडे बॉयल हो गए हैं, उनको छीलिया गया है। 4 अदद मिर्चें हैं, 1 अदद टमाटर है, हसबे जायका लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, हसबे जायका नमक, हल्दी का पाउडर और खुश्क धनी का पाउडर। इस तरफ मेरे पास 2 अदद आलू जो मैंने अच्छी तरह से काट लिए हैं, और 2 अदद दरमियाने प्याज और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और बाकी 1 पाव ग्रीन चने। इंशाल्लाह हम बनाएंगे मिक्स आलू अंडे और चने की करी। अल्हम्दुलिल्लाह से आग जला के हांडी रख दी गई, हांडी हमारी गर्म हो गई है। मैं इसमें शामिल करता हूँ कुकिंग ऑयल। जी अल्हम्दुलिल्लाह हसबे ज़रूरत मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अभी जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें शामिल करेंगे प्याज। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। से हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए, हम इसमें शामिल करते हैं आलू। आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ऑयल के अंदर। मैं लहसुन और धनिया ले आऊँ। शामिल करते हैं टमाटर। इसमें मैं शामिल करता हूँ लहसुन का पेस्ट। इसको पकने देंगे। अब शामिल करते हैं सब चने। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। मसाला जार इसमें शामिल करते हैं, और इस तरह से कट लगा के ग्रीन मिर्च इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
हम इसमें शामिल करेंगे पानी ताकि नीचे ना लगे आप, और अच्छी तरह से इसको ऊपर से कवर कर देंगे, दम दे देंगे। बस हमारे अच्छी तरह से तमाम चीज़ें गल के बिल्कुल तैयार हैं, हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। इसमें बॉयल किए हुए अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए और अच्छी तरह से इसको तड़के में भून लेंगे। खुशबूदार मैं धनिया लेकर आया हूँ, इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं और इसमें हम बाद में शामिल करेंगे। बहुत ही खुशबू आ रही है धनिया में से, अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेश धनिया। आप तो इंशाल्लाह इसको बीज लग जाएगा जो हम इसे खुश करके साल के लिए स्टोर कर लेंगे, जो खुश्क धनिया जिसे बोलते हैं, चाहे उसे आप साबुत इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर हंडी में और ज़्यादातर हम उसे पीस कर इस्तेमाल करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी कटिंग हो गई। इसमें करी के लिए हसबे ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें हसबे ज़रूरत पानी शामिल कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करके आग का फ्लेम ज़रा इसमें तेज़ कर देंगे। तेज़ करने के बाद अच्छी तरह से पानी को पका लेंगे और शामिल इसमें करेंगे हम ग्रीन धनिया, जब हमारा पानी अच्छी तरह से पक जाएगा। मैंने आग का फ्लेम अच्छी तरह से तेज़ कर दिया है, अब इसको मैं कवर कर दूँगा ढक्कन देके और अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। इसको जैसे बॉयल आएगा, अच्छी तरह से हमारा पानी पक जाएगा, हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। इसमें शामिल करते हैं ग्रीन धनिया, और ग्रीन धनिया शामिल करके हम बिस्मिल्लाह। जी बहुत ही प्यारी खुशबू आई जैसे हांडी में गया है, और इसको अच्छी तरह से दोबारा से आप पकने देंगे मज़ीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह से आज की हमारी हांडी बन के बिल्कुल तैयार है। मैं इसे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह यकीनन आज आपको मेरी रेसिपी ये बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर में ट्राई करके देखें इंशाल्लाह। हमारे आलू अंडे बॉयल किए हुए और सब चने की करी पक के बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।